बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का पुनः एनडीए मैथ क्लासेस में। लास्ट टाइम पर हम लोगों का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो फंक्शंस, उसके टाइप, रेंज, कोडोमेन, डोमेन फाइंड आउट करना, साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शंस पर डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में एनडीए में प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, उनको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इसमें एक फंक्शन एफ है विच इज डिफाइंड फ्रॉम R माइनस वन टू R माइनस वन, और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो दी हुई है वो दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। आपसे कहा जा रहा है जो फंक्शन है इसका पहला ऑप्शन है, ये फंक्शन मेनी वन ऑन टू है, वन वन इन टू है, बाइजेक्टिव है, या ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज है। तो देखो बेटा, यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि हमें फंक्शन जो है चेक करना है कि ये वन वन है कि नहीं है, मेनी वन है कि नहीं है, इन टू और ऑन टू। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे ये चेक करा जाए कि फंक्शन वन वन है कि नहीं। वन वन चेक करने के लिए क्या करते थे, ये करते थे कि भाई दो एलिमेंट्स जो हैं डोमेन ऑफ फंक्शन में मान लेते थे और ये ऐसे होते थे कि इनकी इमेजेस आपस में बराबर होती थी। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स वन माइनस वन इक्वल टू एक्स टू प्लस वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। बेटा इसमें हमने क्या लगा दिया, इसमें सी एन डी लगा दिया। सी एन डी का समझते ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एड कर देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं, दोनों एक काम करते हैं। देखो भाई यहां पर वन और वन कैंसिल, एक्स वन कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा टू एक्स वन अपॉन टू इक्वल टू टू एक्स टू अपॉन टू, ये हो गया एक्स वन बराबर एक्स टू। बेटा यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है वो क्या कहता है देख लो, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, इसका मतलब इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये जो रूल है बेटा इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो इससे x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है एफ एक्स इज एन वन वन फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन, अब देखो यहां पर वन वन के दो ऑप्शन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन में, एक वन वन इन टू है, दूसरा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव माने वन वन ऑन टू। तो और जरा चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में एफ एक्स जो दिया था वो बेटा दिया था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दिया था, इसका मतलब बेटा कितना आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन। मैंने तरीका बताया था बेटा, रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि एक्स को सब्जेक्ट बना लो और उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट कर लो। तो
तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। बेटा ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि x डिफाइन कब होगा, तो x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर बेटा जीरो हो जाए। तो जीरो डिनोमिनेटर कहां पे होता है, वन के ऊपर, तो R माइनस वन। तो इसका मतलब बेटा इस फंक्शन की रेंज कितनी हो गई, तो आप कहोगे इस फंक्शन की रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गई वो हो गई ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन। और आपने अगर क्वेश्चन शुरू में ध्यान से देखा हो तो बेटा ये जो वैल्यू थी वो किसके बराबर है, दिस वैल्यू इज सेम एज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या लिखा था, एफ सच दैट आर माइनस वन टू आर माइनस वन। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ये जो फंक्शन पहले जिसकी ओर से जा रहा है ये कहलाता है डोमेन, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो आपने क्या देखा, रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन आपस में कैसी हो गई, सेम हो गई। तो हेंस फंक्शन इज आल्सो एन ऑनटू फंक्शन। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स जो है इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गई बात, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। मैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहा हूं। देखो बेटा आपके कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो तुम्हारा एकदम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसकी इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, मतलब ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है और ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, चेक करना है। तो इसका बेटा पहला पार्ट है कि एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी। देखो बेटा यहां पर सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई एक्स वन और एक्स टू कोई दो नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन बच्चों कितनी दी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये ऐसे हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। बच्चों इससे क्या मतलब निकला, इससे निकला x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। अच्छा जरा एक बात ऑब्जर्व करिए आप लोग कि x1 बराबर x2 तो चलो ठीक है भाई ओके, लेकिन क्या x1 माइनस x2 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है भाई। तो आप कहोगे क्योंकि x1 और x2 दो नेचुरल नंबर हैं, तो एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव और एक नेचुरल नेगेटिव, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। आपको पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी इस दिए हुए फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया था, ओनली पॉसिबिलिटी इज एक्स वन बराबर एक्स टू, हेंस क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स इज एन वन वन फंक्शन। अच्छा अब बात बेटा आती है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अच्छा देखो इसमें जो मशीन बनी हुई है, जरा मशीन को ध्यान से देखो, बेटा ये मशीन क्या बनी हुई है, मशीन के अंदर इनपुट कुछ भी दोगे आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो आपने क्या इनपुट दिया, आपने इनपुट में दिया टू दिया, तो भाई आउटपुट क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। आपने इनपुट वन दिया, बाहर क्या मिलेगा आपको, वन मिल जाएगा। आपने इनपुट में थ्री दिया, आपको क्या मिल गया बेटा आंसर, नाइन मिल गया। तो आप देख रहे हो ये जो इधर का जो पोर्शन होता है बेटा, यही तो रेंज होता है, आपको बताया था ना मैंने कि मशीन का जो आउटपुट एक्चुअल में होता है
वही पार्ट रेंज कहलाता है। और यहाँ पे रेंज क्या हो रही है, देखो वन आ रही है, फोर आ रही है, नाइन आ रही है, मतलब इसमें टू थ्री फाइव वगैरह वगैरह इस तरह के जो नंबर्स हैं वो यूज नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इस रेंज जो है वो सिर्फ सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही मिल रही है, और जबकि कोडोमेन बेटा क्या है, कोडोमेन में वन टू थ्री फोर सब आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो क्या है बेटा, इट इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और बेटा देख लो ये कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब कोई भी रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब जो फंक्शन जो है नॉट अनटू, मतलब ये एनटू फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो भाई जरा अगर तुम्हें समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा एक लिखा हुआ है एफ सच दैट जेड टू जेड, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर दी हुई है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस फंक्शन को चेक करना है कि अगेन ये वन वन है कि नहीं है और एन टू है कि नहीं है। बेटा आपको पता है कि जेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज जेड, तो आप कहोगे जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा अब जरा देखो ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, अगेन वही काम किया कि एक्स वन और एक्स टू दोनों कोई इंटीजर्स हैं। कैसे हैं भाई, कि दोनों की इमेजेस बराबर हैं, मतलब हम लोग ये तो करते हैं बेटा बार बार चेक करने के लिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स वन स्क्वायर जो है वो एक्स टू स्क्वायर के बराबर है, मतलब एक्स वन की वैल्यू एक्स टू हो गई और एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू हो गई। और देखो बेटा इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों इसके क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा, मेनी वन फंक्शन हो गया। बात समझ में आ गई, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहां पर हम लोग माइनस वन वन टू माइनस टू ज्यादा नहीं देख रहे, छोटे कुछ एलिमेंट देख रहे हैं। तो बेटा रूल क्या है, रूल क्या कर रहा है, इसको दूसरे बक्से में भेज रहा है तो इसका स्क्वायर भेज रहा है। तो बेटा माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन, और वन का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस वन। टू का स्क्वायर क्या होगा बेटा, फोर, और माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होगा, फोर। आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक इमेज मिल रही है, इसलिए इस माइनस टू प्लस टू की भी इमेज क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा अगेन बेटा देखो ऑन टू फंक्शन होने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, कि अगर रेंज, रेंज क्या होगी, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर दी हुई है। अभी आपने क्या देखा बेटा, ऊपर ऊपर आपने देखा कि इस वाले बॉक्स में आपने क्या देखा, आपने देखा कि माइनस वन 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 से जोड़ा, टू और माइनस टू फोर से जोड़ा, इसका मतलब इसके बीच में जो एलिमेंट है टू थ्री जैसा कि ऊपर देखा था आपने, वो यूज नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है बेटा ये एक्स स्क्वायर पर मैप कर रहा है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, निगेटिव की वैल्यू भी अगर होगी तो पॉजिटिव मिलेगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इसमें निगेटिव वैल्यू का भी अगर हम लोग मैप कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब निगेटिव इंटीजर्स जो है उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं होने का मतलब क्या हो गया, कि रेंज जो है अगेन वो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, हेंस एफ एक्स इज एन इनटू फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो फाइनली क्या हो गया, ना ही ये वन वन है ना ही ये इनटू है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बेटा, ये फंक्शन हो गया मेनी वन इनटू। ठीक है, समझ में आ गई बात।
बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि f such that r to r है, मतलब रियल नंबर सेट से रियल नंबर के सेट पर है और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर दी है। तो देखो बेटा हमने अभी तक जो तरीके बताए वो तरीका भी यहां भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहां पर हम लोग ग्राफ को भी तुमको एक तरीका और बताने जा रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ कि हाउ कैन वी ड्रॉ दी कंक्लूजन फॉर दिस फंक्शन। आपको पता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब कर्व ऑफ दिस फंक्शन विल बी लाइक दैट। आपको पता है ना ये पैराबोलिक शेप है, ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब जरा देखो बेटा, अगर हम वन वन चेक करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, वन वन चेक करने के लिए तरीका बताया गया था आपसे कि प्लीज ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी मैंने। जैसे बेटा मैंने ड्रॉ करी, कितने पॉइंट पर कट कर रही है आपने देखा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट टू पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये फंक्शन जो है वो वन वन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जरा देखो बेटा ऑन टू के लिए, जरा इसके सबसे पहले को डोमेन को देखो, तो को डोमेन बेटा कितनी लिखी हुई है, आर। आर का मतलब रियल नंबर, और रेंज का मतलब मैंने बताया था कि जो पोर्शन ऑफ द कर्व जिसकी इमेज वाई एक्सिस पे देखी जाए, मतलब ये कितनी वैल्यूज वाई मिल रही है। तो आपने देखा इसकी जो रेंज है वो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक है, इज नॉट इक्वल टू आर। बेटा आर का मतलब क्या होता है, यहां चलता है और पूरा ऊपर चला जाता है, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आपने देखा जो इसकी रेंज है बेटा वो जीरो से इंफिनिटी तक है, जबकि कोडोमेन क्या है, ऑल ये वैल्यूज। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब है क्या हो गया, इसका मतलब भाई मेरे ये हो गया, हेंस एफ एक्स इज एन इनटू फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा क्या ये वन वन था, नहीं था, तो फाइनली क्या हो गया, मेनी वन इनटू, ठीक है, समझ में आ गई बात। बेटा अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, फंक्शन तुम्हें भाई दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया है, और फंक्शन डिफाइन कहां से हो रहा है बेटा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो भाई देखो जरा सा, इसमें सबसे पहले तुम्हें बताना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है और अन टू है कि नहीं। अब देखो बेटा नेचुरल नंबर है तो वन, देखो बेटा इस प्रॉब्लम में एफ सच दैट एन टू एन दिया हुआ है और फंक्शन की जो परिभाषा है वो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। हमें पता करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, मतलब इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। अब जरा देखो क्या किया जाए इसमें, सबसे पहले जरा देखो ये वन वन है कि नहीं है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बेटा ये फंक्शन वन वन है। क्यों, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर रखोगे, आपने वन रखा, आउटपुट क्या मिलेगा, वन का क्यूब मतलब वन मिलेगा, टू रखा तो टू का क्यूब मतलब एट मिलेगा, थ्री रखा तो थ्री का क्यूब 27। मतलब आप देख रहे हो कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका क्यूब करने पर फिर इनमें से वही नंबर मिल जाए, मतलब हर एक नंबर का क्यूब यूनिक होता है ना बेटा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली एक वन वन फंक्शन हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई कि एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो वैल्यू आ गई एक्स टू के बराबर और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर
प्लस एक्स वन एक्स टू बराबर जीरो। बेटा ये पॉसिबल नहीं होती है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली आप ये बोलोगे कि ये फंक्शन जो है वो वन वन है, ठीक है। अब जा देखो फंक्शन देखना आंटू है कि नहीं है, तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सिंपली बात यहीं पर देख लो, ये फंक्शन आंटू नहीं है। कैसे नहीं भाई? क्योंकि देखो वन का क्यूब वन मिलेगा, टू का क्यूब एट मिलेगा, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर थे? यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया था ना बेटा, तो इसमें कौन कौन से नंबर थे? टू था, थ्री था, फोर फाइव सिक्स सेवन, वो कहीं यूज ही नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से फंक्शन कैसा हो गया बेटा? ये फंक्शन क्या हो गया? इन टू हो गया। तो फाइनली ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में क्या विचार है? तो आप कहोगे दिस फंक्शन इज एफ एक्स इज वन वन इन टू। समझ में आ गया भाई? अब देखो जरा अगला क्वेश्चन बेटा, अगर यही ऐसे दे दिया जाता कि एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन है, लेकिन जो फंक्शन डिफाइन था वो डिफाइन हो गया आर टू आर। नाउ हमें चेक करना है ये फंक्शन वन वन आर टू है कि नहीं है। क्या करोगे भाई? देखो बेटा जो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है ये क्यूबिक फंक्शन है, और जो बच्चों इसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस शेप में बनता है। तो पहले देखो भाई ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है। ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है भाई लाइन? कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी जा रही है वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। देखो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बेटा? वन वन हो गया। अब देखना आन टू है कि नहीं है, तो इस फंक्शन के ग्राफ से रेंज माने नीचे से ऊपर। देखो बेटा जब ऊपर की ओर जाओगे तो माइनस इंफिनिटी से जा रहे हो प्लस इंफिनिटी तक कर्व मिल रहा है। देखो ये ऊपर गया नहीं आ रहा, देखो ये तो क्या होगी बेटा इसकी? अगर मैं तुमसे पूछूं रेंज कितनी है तो आप कहोगे रेंज बराबर ऑल रियल वैल्यूज, और कोडोमेन भी क्या है बेटा? ऑल रियल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज वन वन एंड आन टू, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को कि किस तरीके से बाइजेक्टिविटी किसी फंक्शन की चेक करी जाएगी, ठीक है ना? अभी आपको एकदम समझ में आ गई बात ये, ठीक है? तो हम लोग अगले क्वेश्चन में स्विच करने वाले हैं। देखो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी नंबर ऑफ फंक्शंस। जैसे बेटा मान लो हमने तुमसे कहा कि एक सेट ए है, इसमें पी एलिमेंट दिए हुए हैं, और एक सेट बी है इसमें क्यू एलिमेंट दिए हैं, तो सवाल ये हो रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे। तो देखो बेटा इसमें तरीका क्या है कि सिंपली इसमें हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताएं
यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है और यहां पर ए बी सी और डी लिखा है। बेटा फंक्शन के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट को देखो, तो इस एलिमेंट को जब चूज करना होगा तो वो ए से भी जुड़ सकता है, बी से जुड़ सकता है, सी से जुड़ सकता है, डी से जुड़ सकता है। देखो चार तरीके हैं लेकिन ये जुड़ेगा तो एक ही थे ना, तो वन को जुड़ने के नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए? चार। इसलिए दो के पास चॉइस क्या है? दो ए से जुड़ सकता है, दो बी से, दो सी से, दो डी से। तो बी के पास भी कितनी चॉइस है बेटा? टू के पास में, थ्री के पास में, फोर के पास में और फाइव के पास में, सबके पास चार चार चॉइस है। टोटल नंबर तरीके कितने हो गए? 4 की पावर 5। ठीक है ना, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कभी भी हमको अगर नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी निकालना है तो तरीका क्या होगा? तो आप सिंपली कहोगे जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो कितना हो जाएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ सेट बी टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट ए। ऑर्डर का मतलब कार्डिनलिटी से। अब मैं तुमसे कहूं एन ए की वैल्यू 6 है और एन बी की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे होंगे बेटा? क्या कहोगे? आप कहोगे कि 2 टू द पावर 6। ये टोटल तुम्हारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो पहली बात हमने सीखी कि जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर ऑफ ऑर्डर ए से डिस्क्राइब किए जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं उनके बारे में, कि जो फंक्शन 1 1 देखो भाई, सबसे पहले बात जान लो कि अगर जरा इस सिचुएशन को देखो ध्यान से, एक सेट ये बना हुआ है और एक सेट यहां बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और यहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो 1 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो सपोज करो 3 ने 1 से रिलेशन बनाया, 4 ने 2 से, 6 ने 3 से। अब 1 2 5 बचे हैं ना, तो 1 2 5 के लिए मजबूरी में किसी ना किसी से उसको जुड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन हो रहा है। तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है। तो पहली बात ये शर्त ध्यान रखो आप लोग, शर्त क्या है? अगर कभी भी ऑर्डर ऑफ ए मोर देन ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, सॉरी 1 फंक्शन होंगे ही, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे वो 0 हो जाएंगे। हाँ भाई, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट दी 1 1 फंक्शंस। तो जरा देखें बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या तरीका होगा। देखो इसमें क्या हुआ, जरा मेरी बात समझो। अब मैंने बेटा बना लिया यहां पे 1 2 3 4 लिखा, यहां पर ए बी सी डी ई एफ लिखा। अब कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ज्यादा है। अब जरा देखो बेटा, जब पहला एलिमेंट जाएगा तो इसके पास कितनी चॉइस होगी? एक से जुड़ जाए, बी से जुड़ जाए, सी से, डी से, ई से या एफ से। मतलब 1 2 3 4 5 6, तो पहले के लिए चॉइस कितनी है? 6। अब जो यूज हो जाएगा उसको कट कर दो,
दो जाएगा तो दो के पास तीन चॉइस बचेंगी, दो के पास बचेंगी आपकी पांच चॉइस, तीन के पास में चार, चार के पास में तीन चॉइस, मतलब ऐसे कह सकते हो 6543। और बेटा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 6P4 कह सकते हैं ना। तो अब इसका मतलब कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अगर ऑर्डर ऑफ ए एम दिया है, पी दिया मान लो, और ऑर्डर ऑफ बी क्यू दिया है, जहां पर पी इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस जो होंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू पी स्मॉल पी। बस समझ में आ गई ना, मतलब कह सकते हैं इस तरीके से कि ऑर्डर ऑफ बी परम्यूटेशन ऑफ विथ ऑर्डर ऑफ ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, समझ में आ गई बात, जितने एलिमेंट। लेकिन शर्त क्या है बेटा, शर्त यह है कि कोडोमेन में डोमेन के बराबर या उससे अधिक एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन वी कैन फाइंड आउट द वन वन फंक्शंस, अदरवाइज वन वन फंक्शन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। देखो भाई फंक्शंस हो गए, वन वन फंक्शंस हो गए। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि भाई नंबर ऑफ आंटू फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ आंटू फंक्शंस। तो भाई नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे पता करते हैं, आओ जरा इस पे चर्चा करें। तो देखो बेटा अगर ये मान लें हम लोग कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, तो अगर ये मान के चले हम लोग कि ए में पी एलिमेंट दिए हैं और बी में क्यू एलिमेंट दिए हुए, ठीक है, और पी जो है वो क्यू से छोटा या बराबर है और पी की वैल्यू जो है वो वन से बड़ी है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वन इसे क्यू कर दीजिए, इसे पी कर दीजिए, हाँ, वन इज लेस देन Q less than or equal to P दिया हुआ है। अब हमें निकालने के नंबर ऑफ bijections कितने होंगे, तो बेटा इससे भी permutation का concept लगेगा। और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला याद कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, समेशन ओवर, ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का है, R बराबर 1 से लेकर n तक। अब यहां पर n का मतलब जो है बेटा वो ऑर्डर ऑफ बी है, माइनस वन टू द पावर क्यू माइनस आर क्यू सी आर और आर टू द पावर पी। ये फार्मूला बेटा किसका है, दिस इज द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो बात यह आती है कि इस फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे होगा, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि एक सेट ए दिया है इस सेट में वन टू थ्री एलिमेंट दिए हैं और दूसरा सेट दिया हुआ है बी, इसमें ए और बी दो एलिमेंट दिए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं।
अनटू फंक्शन का मतलब बेटा ये हुआ कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर आ जाए। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, एलिमेंट सेट बी में कम दिए हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेटा अगर ध्यान कर लो, ये अगर कभी भी इसमें दो एलिमेंट दिए हो सेट बी में, तो हमेशा जो फार्मूला ध्यान रखना वो ध्यान रखना कि दो की पावर ऑर्डर ऑफ ए माइनस टू जो होगा उतने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखो। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा, अब इसको मैं तुमको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा अगर तुम लोग कहोगे तो। दो की पावर कितना हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 1 2 3 माइनस टू, तो दो की पावर 3 कितना हो गया बेटा 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो गए बेटा, देयर विल बी 6 ऑन टू फंक्शंस विल बी देयर। लेकिन बेटा ये तभी होगा जब दूसरे सेट में दो एलिमेंट दिए हो। मान लो यहां पर ज्यादा एलिमेंट दिए होते, हम तुमसे कह रहे थे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 6 दी है और कार्डिनलिटी ऑफ बी जो दी है वो 2 दी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दो होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 to the power 6 माइनस 2, दो की पावर 3 कितना होता है 64, 64 में 2 गया, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो बेटा होंगे वो कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा तुम्हारे मन में आया वो सर आपने कैसे लिख दिया भाई, तो आओ जरा देखते हैं कैसे लिखा। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं कि फार्मूला क्या था, मैंने कहा कि भाई अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो पी है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्यू है। पहली बात समझ लो बेटा कि मान लो यहां पे 1 2 3 एलिमेंट लिखे हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिखे हैं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो आप कहोगे 0। क्यों भाई, क्योंकि मान लो 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, अब तब भी तो 3 और 4 बचे नहीं बचे। तो अगर कभी भी ऑर्डर ऑफ बी इज मोर देन ऑर्डर ऑफ ए, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों भाई, रीजन क्या है, रीजन आपने देख लिया ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं तुमसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ बी लेस देन ऑर्डर ऑफ ए और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, भाई 1 तो होना चाहिए ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं कि एक एलिमेंट ना हो। अब तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हैं। तो इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था भाई, कि समेशन ओवर आर बराबर 1 से लेकर ऑर्डर ऑफ बी तक, ठीक। उसके बाद में क्या था, माइनस 1 टू दी पावर ऑर्डर ऑफ बी माइनस आर, ऑर्डर ऑफ बी सी आर और आर टू दी पावर ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए सिर्फ एक बार आएगा, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन तुम्हें दिए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करके हमने ये फार्मूला बनाया। अब देखो वही क्वेश्चन ले ले रहे हैं हम लोग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेट ए में 3 एलिमेंट थे और सेट बी में 2 एलिमेंट। आयो जरा फार्मूला लगा दूं, तो बेटा पहला क्या होगा, पहला होगा, मैं तुमको पहले फार्मूला लिख के दिखा रहा हूं, आर बराबर 1 से ऑर्डर ऑफ बी कितना है 2, इसका सिर्फ 2 टर्म आएंगे, एक 1 और 2, माइनस 1 की पावर ऑर्डर ऑफ बी माने 2 माइनस आर, ऑर्डर ऑफ बी मतलब 2 सी आर और आर की पावर ओ ए, ओ ए कितना दिया बेटा 3 दिया हुआ है। चलो अब जरा देखो इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं,
तो बेटा पहला क्या आएगा, ये पहली वैल्यू रखोगे वन, तो दो में से एक गया एक, माइनस वन आया, टू सी वन, आर की वैल्यू वन की पावर थ्री। फिर जब रखोगे दो तो दो में दो गया जीरो, खत्म हो गई कहानी इसकी, टू सी टू, और आर कितना बेटा टू, टू की पावर थ्री, ये बेटा हो गया माइनस टू सी वन को टू कहते हैं, टू सी आर माने टू था यहाँ पे, तो वन आ जाएगा, टू क्यूब मतलब आठ, आठ में से दो गया कितना बचा छः, मैंने ये तो बताया था बेटा डायरेक्ट टू की पावर एन माइनस टू होगा। मान लो बेटा यहाँ पर दो एलिमेंट होते तो तुम्हें दो टर्म मिलते, देखो एक टर्म ये मिलता, एक टर्म ये मिलता, और ऑर्डर ऑफ एक ही बार तो आ रहा है, तो टू की पावर एन हो जाता माइनस, और यहाँ पे टू ही आता, टू की पावर एन माइनस टू, ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाता अगर दो एलिमेंट दिए होते। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर अगर तीन एलिमेंट दिए हो तो क्या किया जाए, चलो जरा देखो भाई, मैंने तुमसे कहा कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो तीन है, और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो तीन है, इसे एट मान लें, चलो एट मान लिया। अब जरा सवाल लगाना है भाई, करो भाई क्या करा जाए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सिग्मा आर बराबर वन से कहां तक ऑर्डर ऑफ बी, मतलब तीन टर्म होंगे सही है। इसके बाद देखो फार्मूला क्या बताया था, इसके बाद फार्मूला बताया था कि माइनस वन टू द पावर ऑर्डर ऑफ बी माइनस आर, फिर क्या बताया था बेटा ऑर्डर ऑफ बी सी आर, और फिर क्या बताया गया था, फिर बताया था आर की पावर ऑर्डर ऑफ ए। तो हमने बताया कितने एलिमेंट लिखे, मान लो हमने तीन एन, आठ की जगह एन एलिमेंट लिख दे रहे हैं, हमने यहाँ पे आर की पावर एन लिख दिया। अब जब देखो कितने टर्म आएंगे बच्चों, आप कहोगे कि देयर विल बी थ्री टर्म्स विल बी प्रेजेंट, भाई तीन टर्म क्या क्या होंगे, आओ जरा जल्दी से देखें। तो पहला बेटा रखोगे वन तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन की पावर टू, क्योंकि थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू, थ्री सी वन, और आर माने कितना बेटा वन की पावर एन, ये तो वन ही हो जाएगा कहानी खत्म। फिर देखो प्लस, बेटा जब यहां पर दूसरे टर्म में आ जाओगे तो आर के लिए टू रखोगे तो थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा वन, तो माइनस वन की पावर वन वन हो जाएगा, थ्री सी टू और टू की पावर एन। फिर कितना आएगा प्लस, माइनस वन की पावर जीरो हो जाएगा, देखो अरे भाई थ्री माइनस थ्री होगा जीरो हो जाएगा, फिर थ्री सी आर, आर माने थ्री, फिर आर की पावर एन का मतलब आर माने थ्री, थ्री की पावर एन। अब जरा इसको सिंपलीफाई कर लिया जाए फटाफट, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये तो थ्री सी वन मतलब थ्री आ जाएगा, यहां पे ये माइनस आ जाएगा थ्री सी टू मतलब थ्री आ जाएगा इंटू टू की पावर एन, और ये कितना हो जाएगा वन, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस थ्री की पावर एन। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा ना आप लोगों को, अब एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए, यू विल हैव द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये क्लियर हो जाएगा ना, एनी कंफ्यूजन, सिंपल द कंसेप्ट है एकदम। चलो अब जरा बात करते हैं बेटा, कोई तुमसे ये पूछे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, भाई बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, तो हमेशा ध्यान कर लो कि जब जब भी बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करी जाए, माने वन वन एंड टू फंक्शन के बारे में बात करी जाए, तो इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों बराबर होंगे, ठीक।
और ऐसी कंडीशन में मान लीजिए दोनों जो दिए हुए हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट एन दिए हुए हैं, देन नंबर ऑफ बायजेक्टिव फंक्शन बराबर फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ बायजेक्टिव फंक्शंस कितने हैं, अगर एक सेट में पांच एलिमेंट दिए हुए हैं तो दूसरे में भी पांच होने चाहिए, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे बेटा, फैक्टोरियल पांच, फैक्टोरियल पांच माने 120। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप इस पोजीशन पे आ गए हैं कि जहां पर आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस और नंबर ऑफ बायजेक्टिव फंक्शंस ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना एक नया टॉपिक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बेटा किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। जैसे सपोज कर लो बेटा एक सेट आपका ए दिया हुआ है और एक सेट आपका बी दिया हुआ है, क्या हो रहा है कि एक रूल है एफ जो इसके एलिमेंट्स को ए बी सी है, मान लो यहां पी क्यू आर है, तो अगर कोई फंक्शन इधर से इधर डिफाइन हो रहा है और अगर वो कोई दूसरा फंक्शन इधर से इधर डिफाइन होने लगे, फंक्शन डिफाइन होने का मतलब फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको फुलफिल करे, जो भी उनकी कंडीशंस दी हुई है बच्चों उनको अगर फुलफिल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इधर से फंक्शन एफ है तो जो ये मान लीजिए नाम मैं इसको दे दूं ए, इसका नाम दूं बी, तो ए से बी अगर फंक्शन एफ है तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो बी टू ए होगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात और देख लो बच्चों, यहां पर जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ए से बी हो रहा है, लेकिन बी से हो या ना हो ये डिपेंड करता है कि इसके एलिमेंट का कनेक्शन कैसा है। जरा देखो बेटा, अगर मैं एग्जांपल ये ले लूं, ए पी से जुड़ा है, सी क्यू बी सी बी क्यू से जुड़ा हुआ है और सी बी जो है वो पी से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ए से बी तो फंक्शन है, ठीक है भाई, सही बात, अच्छी बात है, लेकिन जैसे तुम इधर से इधर जाओगे तो फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन होने लगेगा। कैसे होने लगेगा कि देखो पी की पहली बात दो इमेज आ गई, फंक्शन में ऐसा नहीं होता किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा बेटा देखो बेचारा ये आर जो है इसका कोई भी साथी सेट ए में नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ए से बी तो है लेकिन बी से फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा मान लो बेटा दूसरा एग्जांपल ले ले, दूसरा एग्जांपल क्या ले ले कि देखो यहां पर हम लोगों ने एक एलिमेंट एस भी दे दिया। अब देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो हो रहा है ए पी से जुड़ा, बी क्यू से जुड़ा और सी जो है वो आर से जुड़ा हुआ है, लेकिन एस की कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब इधर वाला फंक्शन कोई डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई रीजन जान नहीं रहे आप लोग। अच्छा फिर देखो बेटा यहां पर बात करते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूं कि फंक्शन कुछ इस टाइप का है, अब जरा देखो ए से पी है, बी से क्यू है, सी से आर है, अगर मैं इधर से इधर की ओर जाऊं तो क्या देखोगे कि अगेन वी हैव अ फंक्शन, ठीक है ना, डिफाइन हो रहा है ना, तो इस फंक्शन को बोलेंगे एफ इनवर्स। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो ये बात बच्चों ये है कि फंक्शन ए से बी जो है वो फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक इमेज। और दूसरा बेटा क्या है फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसकी को डोमेन पी क्यू आर है और रेंज भी पी क्यू आर है। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होंगे उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट
नहीं करेगा। अच्छा, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन के हम इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखो बेटा, अगर हम किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो आप कहोगे इट विल बी सेम एज रेंज ऑफ एफ। और व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो आप कहोगे दिस इज द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अच्छा ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो जब समझ में आ गई तो अब इससे रिजल्ट क्या मिला बेटा, इससे रिजल्ट ये मिल गया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एक फंक्शन है ये दिया हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि ये आपकी लाइन है y बराबर x, तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक फंक्शन ये दिया हुआ है तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स जो होगा वो ये होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं अबाउट दी लाइन y बराबर x। ये बात ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड फंक्शन इट्सेल्फ बोथ आर दी मिरर इमेज ऑफ इट्सेल्फ इन द लाइन y बराबर x। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि जो पहले x था वो y हुआ जा रहा है, जो y था वो क्या हुआ जा रहा है, x हुआ जा रहा है। तो इससे हम लोगों ने ये नतीजा निकाला कि जो फंक्शन है ये अगर किसी की डोमेन ऑफ f इनवर्स निकालनी है तो ये रेंज ऑफ f के बराबर हो जाएगी और रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन ऑफ f के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा बेटा हम लोग आगे फिर बात को बढ़ा रहे हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या दे दिया जाए, इफ एफ फ्रॉम R to R, fx is equal to 3x plus 4, is f invertible? If yes, find it. देखो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन दिया है 3x plus y। देखो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको एक पैसेज मिल जाएगा जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के फंक्शन का इनवर्स निकालना सीख जाएंगे। तो ये बेटा एक्चुअली में ये पैसेज है जिससे आप ये जान पाएंगे कि कैसे भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है। तो और जरा देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो देखना होगा कि फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि हमने कहा कि भाई x1 और x2 कोई दो रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है बेटा, रियल नंबर है। हम इसको ये भी कह सकते थे कि बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, और कैसे है कि इनकी इमेजेस जो है वो बराबर है। ये तरीका नंबर वन है बेटा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 3x1 प्लस 4 बराबर 3x2 प्लस 4। सॉल्व करोगे x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1-1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा अब जरा देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कि whether this function is onto or not, सिंपली व्हाट विल बी डू, वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स रेंज। इफ इट्स रेंज इज इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन, वी विल से द फंक्शन इज onto। नाउ व्हाट विल वी डू,
सिंपली वी विल यूज y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। बेटा ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3। और बच्चों आप देख सकते हो कि y माइनस 4 अपॉन 3 जो है इसमें कोई भी y जो तुम्हारी इच्छा हो रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब y इसमें कोई भी एक रख दिया जाए, कोई भी अदर रियल नंबर हो, तो यहां पर हम रख सकते हैं जिससे x डिफाइन होगा। तो फाइनली क्या हो गया, तो दिस इंप्लाई रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज हो गया। और ऑल रियल वैल्यूज क्या इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन, हेंस f is अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बेटा, जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब हम लोग जो है इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि बेटा इनवर्स कैसे फाइंड आउट करा जाए। देखो इसका तरीका क्या है बेटा, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसका तरीका ये होगा कि y बराबर कितना लिखा था बेटा, y बराबर लिखा था 3x प्लस 4। जरा फटाफट x को सबमिट बना लो, कितना आ जाएगा, y माइनस 4 अपॉन 3 आ गया। तो बेटा ये जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, यही तो इनवर्स होता है एक्चुअली में। तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3। तो इसका मतलब मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x, तो आप क्या कहोगे, दिस विल बी x माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी बड़ा प्रॉब्लम है और ये हमको एक इनवर्स निकालने का एक तरीका हम लोगों को इसने बता दिया है। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, जो हम लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और जरा फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, तो जरा सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, अभी जो मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा था f such that r to r और fx की वैल्यू 3x माइनस 5 दी हुई है। फिर को लिखा था देन f इनवर्स x इज, ऑप्शन ए दिया था 1 अपॉन 3x माइनस 5, ऑप्शन बी दिया था x प्लस 5 अपॉन 3, ऑप्शन सी दिया था डज नॉट एग्जिस्ट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें f इज नॉट 1 1, और दूसरा दिया हुआ है does not exist because f is onto, f is not onto। अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग 101% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, अगर आप लोग कर लीजिए तो मैं ये एश्योर होना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, और अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे इसकी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में, और इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। देखो भाई प्रॉपर्टीज क्या है इनवर्स फंक्शन की, तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इनवर्स जो है किसी भी फंक्शन का वो यूनिक होता है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई द इनवर्स ऑफ ए
bijection is always unique, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई दो चार पांच वो दे दिए जाए आपको, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए कि किसी भी फंक्शन के नंबर ऑफ इनवर्स कितने होंगे, तो आप कहोगे ओनली वन इनवर्स विल बी देयर। नंबर टू बेटा बात ये कहती है कि द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। अरे सिंपल सी बात है भाई ना, क्या बात है, सिंपल बताओ। सिंपल बात यह है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अरे भाई ए से जो बी चल रहा था ये बाइजेक्टिव था, तो बी से ए भी तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये कोई वही इंपॉर्टेंट मतलब कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी नंबर तीन है वो एक्चुअल में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर डिफाइन हो रही है। मैं सिर्फ यहां पे बता दे रहा हूं, इसको एक्सप्लेन जो है वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो अगर ए से बी एक कोई फंक्शन एफ है, ये बाइजेक्टिव है माने इनवर्टेबल है। मैंने आपको बताया था ना कि बेटा जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं वो इनवर्टेबल भी होते हैं, तो जी बी टू ए इज ऑल्सो इनवर्टेबल, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एफ नॉट जी बेटा किसके बराबर होगा, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, और जी नॉट एफ क्या हो जाएगा, ये आई बी आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन सेट ए। देखो कितनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत स्पेशल काम नहीं है, ये तुमको समझ में आ जाएगा कि देखो बेटा एक फंक्शन ए से बी हो रहा है, दूसरा फंक्शन बी से हो रहा है, दोनों ही बाइजेक्टिव है। इसका मतलब पक्की बात है कि एफ जो है वो जी इनवर्स के बराबर है और जी जो है वो एफ इनवर्स के बराबर है। ये तो होता है ना, ए बी का एफ जी का इनवर्स और जी क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा। तो ये कहता है कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कंबाइन करने पे बेटा क्या मिलेगा, कंबाइन करने पर हमको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं तुमसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो बेटा जैसे मैंने कहा तुमसे कि एक सेट ए लिखा है 1 2 3 और सेट बी लिखा हुआ है 4 5 6। अभी क्या कर रहा हूं मैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एफ ए टू बी। कैसे डिफाइन हो रहा है, जो एफ डिफाइन हो रहा है वो है 1 4 2 5 और 3 6। अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई 1 4 2 5 3 6 जो है ये एक कैसा फंक्शन है भाई, तो आप कहोगे ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि 1 2 3 के साथ में 4 5 6 यूनिक यूनिक जुड़े हुए हैं, कोई भी किसी भी एलिमेंट की दो प्री इमेजेस नहीं है, 1 1 हो गया। इसका कोडोमेन जो था 4 5 6 था और रेंज 4 5 6 है, देयरफॉर दिस इज अ 1 1 2 फंक्शन। नाउ वी आर डिफाइनिंग जी, जी कितना है बेटा, जी है 4 1 5 2 और 6 3। तो एक्चुअल में जो कंपोजिशन बेटा होता है वो कंपोजिशन कैसे है तो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे एफ के एलिमेंट लिख दे रहे हैं 1 2 3, यहां पे क्या है 4 5 6, यहां पे जी लिखा 1 2 3। देखो भाई सबसे पहले क्या है, 1 जुड़ा हुआ है 4 से, 2 जुड़ा है 5 से, 3 जुड़ा है 6 से। फिर देखो जी में क्या है बेटा, 4 1 से जुड़ा हुआ है, 5 2 से जुड़ा हुआ है और 6 3 से जुड़ा हुआ है। तो जो फंक्शन बेटा यहां से यहां डिफाइन होगा इसको बोलते हैं जी नॉट एफ। अभी मैं इसे कंडीशन बताऊंगा आगे, लेकिन अभी समझ लो। तो जी नॉट एफ में 1 का सीधा तार कैसे जुड़ा हो, देखो ये देखो ऐसे जुड़ गए, ये जुड़ा, तो 1 किससे जुड़ा है, 1 से। 2 किससे जुड़ा है बेटा,
टू से, और थ्री किससे जुड़ा हुआ है, थ्री से। तो वन इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, वन, टू देने पर टू, और थ्री देने पर थ्री। इसका मतलब तुमने क्या देखा बेटा कि जी नॉट एफ जो है वो किसके बराबर आ गया, आई ए के बराबर आ गया। मतलब ये जो सेट ए था आपका, ये सेट बी था, इस सेट में आपको एलिमेंट्स जो है वो उसी पर ही क्या कर रहे हैं। बेटा आईए का मतलब क्या है यहां पर, आईए का मतलब ए के एलिमेंट देख रहे हो, ए पे ही मैप हो रहे हैं, हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो अभी आपको समझ में आ गई प्रॉपर्टी, एकदम क्लियर है। देखो बेटा प्रॉपर्टी जो तुम्हारे सामने आने वाली है ये इसी प्रॉपर्टी का काउंटर पार्ट है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ये कह दें कि इसी जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर डिस्कस करी है इसमें बी और ए आपस में बराबर हो जाए, तब हम क्या पाएंगे बेटा, हम लोग ऐसा पा जाएंगे कि एक फंक्शन एफ लिखा है फ्रॉम ए टू ए। तो ये बात समझ लो, ये क्या है, ये एक बाइजेक्शन है। ए टू ए का मतलब ये हो गया कि यहां पर ए से ए के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो 100% देयर एग्जिस्ट अंदर फंक्शन जी, वो भी क्या होगा बेटा, ए से ए होगा। और इसकी खास बात क्या होगी कि एफ नॉट जी करो या जी नॉट एफ करो, दोनों से ही आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आओ जरा बेटा जल्दी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, जो भी नंबर हो। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लीजिए एफ एक फंक्शन है ए से बी, और एक फंक्शन दूसरा है जी जो कि बी से सी है, और बेटा दोनों ही फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि तब एक बाइजेक्शन जो है वो ए से सी की ओर होगा, जिसको नाम दिया जाएगा जी नॉट एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और इसकी खास बात क्या होगी, ये भी बाइजेक्शन होगा, क्या होगा, ये भी एक बाइजेक्शन होगा। और इसकी खास बात बच्चों ये होगी कि अगर इन दोनों के कंपोजिशन का इनवर्स निकालना हो तो ये रिवर्सल लॉ को होल्ड करेंगे, एफ इनवर्स नॉट जी इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी होगी आप लोगों को। तो देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि मान लो एफ एक फंक्शन है जो ए से बी है, और दूसरा फंक्शन जी है जो बी टू ए है। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, और बेटा क्या किया जा रहा है कि इन दोनों का जो कंपोजिशन है, जी और एफ का कंपोजिशन मान लो आइडेंटिटी फंक्शन है, और एफ और जी का कंपोजिशन भी आइडेंटिटी फंक्शन है जो बी टू बी है। तो इस कंडीशन में जी नॉट एफ आइडेंटिटी और एफ नॉट जी आइडेंटिटी होने पर यह बात होगी कि एफ जो होगा वो जी इनवर्स के बराबर होगा और जी जो है वो एफ इनवर्स के बराबर होगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी तुम सिर्फ समझने के लिए तुम्हारे सामने तुम्हारी स्क्रीन पर है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की, क्योंकि मैंने यहां पर ऊपर प्रॉपर्टीज बता दी इनवर्स की। तो अब यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। बेटा दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, इस पर बात करने जा रहे हैं। देखो भाई मैंने क्या कहा तुमसे कि मान लो एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को पहले भी, और जी है बी टू सी। तो एक फंक्शन जो है जिसका नाम होगा जी नॉट एफ, वो डिफाइन होगा ए टू सी, ठीक है।
तो इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए? देखो इसको किस तरह डिफाइन किया जा रहा है। मान लो ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है और ये तुम्हारा सेट सी है। बेटा यहां पर एक्स है, ये फंक्शन का नाम है एफ, तो ये एक्स को एफ एक्स पर मैप करेगा। इसका नाम जी है, तो ये जी एफ एक्स पर मैप करेगा। ठीक है, तो जो बेटा यहां से यहां तक का जो फंक्शन होगा, ये एक्स क्या होगा, डायरेक्ट ए से सी को मैप करेगा और इस फंक्शन का नाम होगा जी नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा एक विशेष बात बहुत ध्यान रखना। विशेष बात क्या है कि जो यहां पर रेंज ऑफ एफ है, ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ जो है इट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। बेटा अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन का कंपोजिशन है वो डिफाइन नहीं होगा। देखो बेटा यहां पर बात कर रहे हैं, अगर तुमसे मैं कहूं कि जो f g नॉट f है वो a से c है, तो अगर हम लोग इसी तरह बात करें बेटा कि f नॉट g की बात करें, तो f नॉट g x डिफाइन कब होगा, तो आप कहोगे इसमें कि रेंज ऑफ g मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, मतलब जो आखिरी में लिखा है उसकी रेंज पहले की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर बच्चों ऐसा हो रहा है ठीक, तभी उसी कंडीशन में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये मुख्य बात ध्यान रखिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एस नॉट टी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रेंज ऑफ टी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एस, मतलब देखो जो आखिरी में है, ये एफ आखिरी में है, तो इस आखिरी वाला जो फंक्शन लिखा है उसकी रेंज और जो पहले जो सिंबल लगा हुआ है उसकी डोमेन एक में जो एफ है वो इसके क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो एस नॉट टी डिफाइन कर रहे हैं, तो टी की रेंज डोमेन ऑफ एस का सबसेट होना चाहिए। बात क्लियर होगी ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रॉपर्टीज। एक बात मैं और बता दूं प्रॉपर्टी बताने से पहले, कि मैं तुमसे कहूं कि अगर एफ ए से बी है और जी बी टू सी है, तो जी नॉट एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन होगा वो होगा जी ऑफ एफ एक्स, जैसा कि ऊपर की आपको पिक्चर में क्लियर था। जैसे मैं तुमसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक फंक्शन मान लो लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, फंक्शन लिखा है मान लीजिए 1, 2, 3, 5 और 4, 1 लिखा हुआ है, और मान लीजिए मैं जी कहूं, जो g है वो क्या है 2, 3, 5, 1 और 1, 3। अब मुझे पता करना है कि g नॉट f और f नॉट g में कौन कौन डिफाइन है, दोनों डिफाइन है या नहीं डिफाइन है, या डिफाइन है तो क्या क्या होंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग जी नॉट एफ की बात करते हैं। तो जी नॉट एफ में आखिरी में जो है बेटा वो फंक्शन पहले होना चाहिए, तो एफ पहले आ गया, बाद में क्या हो गया जी हो गया। बेटा एफ के एलिमेंट्स क्या हैं, डोमेन है 1, 3, 4 और इसकी रेंज क्या है 2, 5, 1, मतलब 1 जो है वो 2 से जुड़ा है, 3 5 से जुड़ा है और 4
वन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जी देखो बेटा क्या है, जी के एलिमेंट ने 251 वही एलिमेंट दिए हुए हैं जो एफ के दूसरे सेट मतलब कोडोमेन मतलब रेंज में है, बाइजेक्शन है। तो भाई 2 जुड़ा हुआ है 3 से, 5 जुड़ा है 1 से और 1 जुड़ा हुआ है 3 से। ये देखो, अच्छा जरा देखो बेटा रेंज ऑफ एफ क्या है, तो आपने कहा 251 और डोमेन ऑफ जी क्या है बेटा, सेम टू सेम 251। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग गॉफ को डिफाइन कर सकते हैं। तो गॉफ बेटा कैसे होगा, गॉफ यहां से लेकर यहां तक का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका गॉफ। तो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन, या डेफिनेशन ही ना बोल के इसे बोले कि वैल्यू ऑफ गॉफ क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, तो वन बेटा अगर वन सिंपली किससे जुड़ा हुआ है थ्री से, तो 1,3 3,1 और 4,3, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं तुमसे अगर कह दूं कि एफ नॉट जी जो होगा वो 3,1,1,3,3,4 है, तो ये एकदम बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एफ नॉट जी की बात कर रहे हैं, तो एफ नॉट जी का मतलब बेटा ये कैसा होगा कि पहले जी होगा और उससे एफ जुड़ रहे होगा, ठीक है ना। तो आओ जरा देखें इसमें, सबसे पहले क्या करना है, अगर हम लोगों को बेटा एफ नॉट जी बनाना है, तो मैंने क्या कहा था कि एफ नॉट जी में सबसे पहले जो आखिरी में लिखा होता है उस सेट को बनाया जाता है। जरा बनाओ जल्दी से फटाफट। तो जी के एलिमेंट क्या दिए थे बेटा, जी के एलिमेंट दिए थे 251, मतलब 251 से कलेक्शन होना चाहिए था, जबकि ऊपर देखो बेटा यहां पे जो F नॉट G हमने G नॉट F को देख के बनाया उसके एलिमेंट क्या है 313, तो ये फंक्शन ही नहीं बन रहा पहली बात तो, और पहले पहले एलिमेंट G के एलिमेंट्स नहीं है, डोमेन ऑफ G नहीं है, इसलिए फॉग जो है ये हमने गलत बना दिया है। तो G नॉट F के एलिमेंट को कन्वर्ट करके F नॉट G कभी नहीं बनता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान कर लेना। अब देखो बेटा क्या हो गया, फिर जी किससे जुड़ा हुआ था, तो जी जो जुड़ा हुआ था वो 3 और 1 से, देखो 2 जुड़ा 3 से, 5 जुड़ा 1 से और 1 जुड़ा 3 से, ठीक। ये तुम्हारा हो गया बेटा अबाउट दी जी। अब जरा बात करते हैं यहां पर फंक्शन एफ देना है, तो एफ के एलिमेंट क्या दिए थे बेटा, एफ के एलिमेंट जो सेट में एफ था उसके एलिमेंट थे 1,3,4, तो यहां पे 4 तो है नहीं बेटा, यहां पे 4 एक चुपचाप लिख दो चुपके से। अब जरा देखिए डोमेन ऑफ एफ हो गई 3,1,4, अच्छा जुड़े कैसे थे बेटा, जो 1 था वो जुड़ा था 2 से, 3 जुड़ा था 5 से और 4 जुड़ा था 1 से। चलो भाई देखो 4 1 से जोड़ दो, 3 2 से जोड़ दो, सॉरी बेटा 1 जुड़ा था 2 से, थ्री जुड़ा है 5 से और 4 जुड़ा है आपका 1 से, ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो जो हम लोग एक्चुअल में देखना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रेंज ऑफ जी क्या है, तो आपने कहा भाई रेंज ऑफ जी जो है वो 3,1 है, और मैं तुमसे पूछूं भाई डोमेन ऑफ एफ क्या है, तो आपने कहा 3,1 और 4। आपने क्या पाया, आपने पाया कि रेंज ऑफ जी जो है इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, है ना, ये 3,1 है ये 3,1,4 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ नॉट जी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो भाई जरा बताया जाए कि एफ नॉट जी क्या होगा,
तो एफ नॉट डी जो फंक्शन हो बेटा यहां से लेकर ये देखो यहां बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है ना, ये फंक्शन बेटा क्या है, ये फंक्शन जो होगा इस फंक्शन का नाम होगा एफ नॉट जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब भाई एफ नॉट जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, जरा ऊपर देखो फटाफट, ये देखो बेटा टू जुड़ा है थ्री से और थ्री जुड़ा हुआ है फाइव से, तो पहला एलिमेंट हो गया टू कॉमा फाइव। बेटा फाइव जुड़ा है वन से और वन जुड़ा है टू से, तो फाइव कॉमा टू। बच्चों वन जुड़ा हुआ है थ्री से और थ्री जुड़ा हुआ है फाइव से, तो वन कॉमा फाइव। तो आप बच्चों आपने कंपोजिशन निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात। तो देखो तो बेटा तुम्हें क्लियर हो गया है कि जो जी नॉट एफ है इन जनरल वो एफ नॉट जी के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को। तो आज बेटा हम लोग अपनी क्लास को यही समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट अंक के ऊपर हम लोग जो है इससे आगे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है जिसमें इनवर्स कंपोजिशन वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।